अदर व्लॉग। तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फूड चैलेंज, जो कि थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज का फूड चैलेंज होने वाला है बंगाली फूड, वो भी 24 आवर्स के लिए। एक्चुअली मेरी बहन की जो फ्रेंड है वो बंगाली है, तो मैंने सोचा जब घर में ही मेरे पास बंगाली है तो क्यों ना फिर उसका चैलेंज भी किया जाए। इसलिए मैंने उससे एक से एक अच्छी अच्छी बंगाली रेसिपीज पूछ ली है कि बंगाली में आखिर क्या क्या स्पेशल डिशेज होते हैं, क्या क्या खाया जाता है। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट थी, बट उसमें से कुछ कुछ जो मैं घर पर बना सकती हूँ अपने इन प्यारे हाथों से, वो मैंने निकाल कर रख ली हैं। एंड मैंने सोचा कि आज फिर पूरे दिन उन्हीं को खाया जाएगा, तो फिर आप लोग जितने भी स्पेशली नॉन बंगाली है मेरे साथ चलो एंड फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये बंगाली फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे गाइस, तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने लिया है एक बहुत ही टेस्टी बंगाली स्ट्रीट फूड जिसे काठी रोल कहते हैं, जो कि मैंने घर में ही बनाने का ट्राई किया है एंड काफ़ी हद तक अच्छा मुझे सिमिलर लग भी रहा है। वैसे तो ये नॉनवेज मटेरियल ज़्यादा होता है, बट मैंने इसे प्योर वेज तरीके से ही बनाया है, सब्जियाँ वब्जियाँ वो सब डाल के, थोड़े बहुत स्पाइसेस डाल के। तो फटाफट इसे करते हैं फिर ट्राई, जो कि मतलब जो हमारा नॉर्मल रोल होता है उससे काफ़ी सिमिलर लग रहा है। तो मैं इसे पहले ट्राई करती हूँ फिर देखती हूँ कि कैसा है ये। सो काफ़ी टेस्टी है यार, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। इसमें मतलब मैंने सारी सब्जियाँ जैसे गाजर, पत्ता गोभी, थोड़े बहुत प्याज और खीरा भी इंक्लूड किया है। प्लस अगर आपके पास जैसे मेयोनीज है या फिर घर में मम्मी जो मसाले बनाती है ना वो वाले कोई से भी मसाले, तो उसे ये पराठे को अच्छे से सेक कर उस पर ज़रूर लगा लेना। पूछ सकते बहुत ज़्यादा ही हमें ये है। तो मैं फटाफट अपना ये पूरा काठी रोल इंजॉय करती हूँ फाड़ फाड़ के एंड आप लोग से मिलती हूँ अब डायरेक्ट दोपहर के लंच में। दोपहर के स्पेशल बंगाली लंच के लिए मैंने चूज़ किया है अनदर बंगाली वाली टेस्टी डिश, जो कि है माछ भात, मतलब कि फ़िश करी एंड राइस, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फ़िश फ्राई कर लिए हैं एंड अब मैं बनाऊँगी इसकी फ़िश करी, वो भी पूरे बंगाली स्टाइल में। वैसे मेरी फ्रेंड से, मतलब मेरी बहन की फ्रेंड से, जो कि मेरी भी ऑटोमेटिक फ्रेंड है, बहन है, तो मैंने उससे पूछा था, तो वैसे बंगाली फूड्स में खसखस का यूज़ बहुत होता है स्पेशली फ़िश करी बनाने के लिए, तो उसी हिसाब से मैंने मसाले स्पाइसेस प्रिपेयर कर लिए एंड अब फटाफट बनाती हूँ मैं ये फ़िश करी, जो कि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो आई एम तो वेरी एक्साइटेड। हे गाइस, तो मैंने अपना माछ भात लेकर बैठ गई हूँ, अभी जस्ट बनाया है, काफ़ी गर्म है, इसलिए सोच रही हूँ तब तो थोड़ा सा बकबक करके इसे ठंडा कर लूँ। वैसे ये मतलब काफ़ी टाइम लगता है यार मछली बनाने में, पहले उसको बैठ के तलो, उसी में आधा घंटा लग जाता है एंड फिर उसको ग्रेवी बनाओ, बट कोई नहीं, अभी शुरुआत करती हूँ मैं इसे खाने से एंड सबसे पहले मैं ये मछली का ही बाइट ले लेती हूँ एंड जिसमें सबसे कम काटा होता है मैंने छाट कर वही वाली मछली ली है। बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत मस्त बना है, बहुत ही यम है यार एंड इसमें मस्त मैंने ये हरी हरी मिर्ची भी ले ली है ऊपर से, गर्मी में यार मिर्ची और प्याज होना खाने के साथ तो बहुत अच्छा लगता है खाना, नहीं तो कुछ खाने का मन ही नहीं होता है। तो अब हम खाएंगे अपना माछ भात अच्छे से मिक्स करके। तो कंप्लीट हो गया एंड मेरा पेट भी काफ़ी अच्छे से फुल हो गया, संतुष्टि हुई है मुझे काफ़ी टाइम बाद ये माछ भात खा के। तो अब फिर चलती हूँ थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए एंड फिर मिलते हैं आप लोग से शाम के नाश्ते में।
गाइस, तो शाम के नाश्ते के लिए मैंने अभी एक और अनदर बंगाली फूड प्रिपेयर किया है, जिसे कहते हैं झाल मुरी, जो कि है ये मतलब एक मिक्स भेल की तरह आप इसे समझ सकते हो, कह सकते हो, जिसमें बहुत सारे आलू, चना, फली भूनकर, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ती है। एंड मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया इसे बनाने का। वैसे तो ये थोड़े स्पाइसी बनता है, बट मैंने थोड़ा सा कम स्पाइसी बनाया है, क्योंकि मुझे तीखा लग जाएगा तो फिर पूरा दिन मेरा फिर नाक बहना चालू हो जाएगा। तो फिर जल्दी से इसे खाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं करती हूँ इसे फटाफट ट्राई। वैसे इसमें मेरे को स्पेशली वो बताया गया था कि इसमें अचार का ही तेल डालना, उससे ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो फिर मैंने वैसे टेस्ट किया नहीं है कि कैसा लग रहा है, टेस्ट करके देखती हूँ मैं। काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत चटपटा टाइप का है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे इसमें सबसे अच्छा ये जो फली है, भुनी हुई फली, एंड जो उबला हुआ मैंने आलू डाला है, वो लग रहा है। वैसे मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं इसे कम स्पाइसी बना सकूँ, पर फिर भी ये मतलब काफ़ी स्पाइसी लग रही है। तो ये तो अभी काफ़ी तीखा लग रहा है मुझे, तो मैं डाल रही हूँ पानी पीने के लिए, नीचे भी कर लूँगी फिनिश। एंड आप लोगों से मिलती हूँ अब मैं सीधा रात के लंच में, तब तक के लिए चेता बाय बाय। हे गाइस, सो आई एम बैक विद दी डिनर प्लेट, एंड इतना अच्छा मैंने मतलब पूरा प्लेट तैयार किया है ना बंगाली स्पेशल, अपनी फ्रेंड से, बहन से पूछ के, कि पूछो मत कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। एंड बिना किसी देर के मैं जल्दी से आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस प्लेट में आखिर है क्या क्या मेन्यू। तो यहाँ मैंने इतना मस्त ये क्रिस्पी परवल भाजा, ये आलू भाजा, मटन, एंड साथ में ये लूचा समथिंग बोलते हैं इसको, ये मैदे वाली पूड़ी होती है स्पेशली बंगालियों की। सो सच्ची बताना, आप लोगों को भी देख के मुंह में पानी आया कि नहीं, तो इसलिए अब मैं इस पानी को कंट्रोल करती हूँ एंड इसे टेस्ट करना खाना स्टार्ट करती हूँ। वैसे मैदे वाला खाना तो नहीं चाहिए ज़्यादा, बट ठीक है, कोई नहीं, अब जब ट्रेडिशनल फूड ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक आध बार खा सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया, कम अमाउंट में लिया है। एंड मैं सबसे पहले मेरी फेवरेट आलू के साथ स्टार्ट करूँगी, आलू भाजा के साथ। ये तो मुझे आलू वैसे भी बहुत पसंद है हर चीज़ पे। पूछो मत कितना आनंद आ रहा है भाई साहब, कहीं जन्नत है तो वो सिर्फ इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में इतनी वैरायटी के खाने मिलते हैं ना कि और कहीं नहीं मिलते। एंड उन खानों का जो फ्लेवर होता है, जो स्वाद होता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई और फूड मैच कर सकता है इंडिया के फूड से। अब ट्राई करते हैं इस मटन के साथ। मैंने परवल भाजा ट्राई कर लिया, आलू ट्राई कर लिया, एंड देन मटन एंड पूड़ी, मेरे पापा का पर्सनल फेवरेट। ये मटन मैंने बीच में फंसा लिया है एंड अब खाएंगे। सच बता रही हूँ मैं, ये पूरी प्लेट इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना कि मुझे मन कर रहा है जब कभी बर्थडे होगा, कुछ भी होगा ना, स्पेशल बनाना होगा तो यार बहुत हो गया वो हर बार का छोला और पनीर। हम नेक्स्ट टाइम से इसी टाइप की अलग अलग वैरायटी की चीज़ें ट्राई करेंगे, मतलब अलग अलग ट्रेडिशनल की फूड्स ट्राई करेंगे। ये बहुत अच्छी है यार। अब लास्ट में खाना पीना कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि यार अब जब बंगाली फूड चैलेंज कर रहे हैं तो लास्ट में कुछ ऑथेंटिक बंगाली स्वीट डिश तो होनी चाहिए, इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये मिष्टी रोई, जो परफेक्ट वैसे जो मटके वाली होती है वैसे तो नहीं है, मैंने काफ़ी ढूंढा था बट मुझे मिला नहीं, तो यहाँ पर मुझे ये मदर डेयरी का मिल गया है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसी को ट्राई कर लेते हैं। फटाफट इसे करती हूँ ओपन एंड ट्राई करती हूँ कि कैसा लगता है। मैं वैसे फर्स्ट टाइम खा रही हूँ,
तो ये मेरा मिस्टी दोई फाइनली। देखो लुक एट दिस, काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है ये। अच्छा काफी वैसे मेरे फ्रेंड ने बताया था ये कि ये गुड़ वाली मीठी दही जैसे होती है, जो कि मुझे हल्की हल्की कुल्फी दही मतलब मिक्स फ्लेवर आ रहा है, मुझे तो काफी मतलब अच्छी लग रही है। तो लास्ट में ये मीठा खाने के बाद तो मेरा काफी अच्छा दिन बन गया है। तो बस फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए तो बाय बाय, गुड नाइट, एंड जाने के पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ